कई महान और नैतिक कारणों को प्रस्तुत करने के बाद वह युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन ने अपने हथियारों को एक तरफ रख दिया। दुख से अभिभूत अर्जुन की युद्ध करने की अनिच्छा उसके दयालु हृदय को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है। 36वां श्लोक। पाप मेवा श्रय दस्मान त्वय ताना ततायन तस्मान रहा वयम हंतुम धार्त राष्ट्र न संबंधवान स्वजनम की कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अर्थात यदि हम ऐसे आक्रमणकारियों को मार डालें तो पाप हम पर हावी हो जाएगा, इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने मित्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? हे कृष्ण, भाग्य की देवी के पति और हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर कैसे खुश हो सकते हैं? Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune? And how could we be happy by killing our own kinsmen? After submitting before Krishna many noble and moral reasons why he wishes not to fight, Arjuna casts aside his weapons, overwhelmed with grief. Arjuna's reluctance to fight indicates his kind heart. Such a person is fit to receive transcendental knowledge. Thank you.